हेलो फ्रेंड, हमारा वो जो वीडियो था वो उसी टाइम से रुक गया था, तो इसके बाद की जो पार्ट है मैं वो पार्ट सेकंड में शेयर कर रही हूँ। वो पार्ट वन में है जो मैं अपनी क्लीनिंग और अपने जो अरेंजमेंट अपने दिखाने वाली हूँ गार्डन का, और अप टू डेट भी दूंगी अपने प्लांट्स की। तो वो कुछ इसमें मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया, इसकी वजह से वो वीडियो वहीं पे रुक गया। ये पार्ट सेकंड का है, और ये देखिए यहाँ से हमने जो इनकी अरेंजमेंट की है यहाँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको लुक दिखा दे रही हूँ, कितना अच्छा सा व्यू आ रहा है। और ये देखिए जितने भी हमारे यहाँ पे जेरेनियम के सीड जो कलेक्ट किए थे हम, और उनको सीड से जो जर्मिनेशन हुए तो वो मैंने एक जगह ही लगा दी हूँ, और ये भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इनमें भी फ्लावरिंग हो रही हैं। और ये देखिए मैरीगोल्ड, यहाँ पे हैं हमारे मैरीगोल्ड। और ये देखिए हमारे मिनिएचर वाले क्रिसेंथिमम, जो कि आपने नर्सरी में भी देखा होगा। ये तो मेरे पास इस कलर का था पहले से ही, तो इसलिए मैंने वहाँ से कुछ प्लांट ही लाई हूँ और कुछ के नहीं लेकर आई हूँ। ये देखिए ये बहुत ही खूबसूरत सा, कुछ टाइम में इनकी कलियाँ खिलने वाली हैं। और ये है जेरेनियम, सॉरी जलबेर, सॉरी फ्रेंड, ये है गजानिया का प्लांट, जो कि फुल सनलाइट में चलने वाला समर विंटर विंटर सीजन का बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लांट होता है। ये हमारे पिछले साल का ही जो प्लांट है, तो उनकी मैंने जो कटिंग लगाई हूँ, यो एक यहाँ पे लगाई हूँ, एक और है मेरे पास, तो इसकी मैंने कटिंग लगा दी थी। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं आ रहा है, लेकिन अभी क्योंकि छोटे पौधे हैं और जब इनमें थोड़ी सी अभी कंपोस्ट वगैरह दूंगी तो इनमें भी फ्लावरिंग आना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे हमारा डेंटस का, ये भी हमारा 2 साल पुराना पौधा है, जो कि ये भी कटिंग से ही लगाई हूँ, और ये भी हमारा प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। यहाँ पे हैं सारे क्लाइंट्स से हमारे मैरीगोल्ड, ऑरेंज और येलो, ऑरेंज येलो इसी तरह से है। और जो हमने वो नर्सरी प्लांट लिए थे मैरीगोल्ड के, वही वाले हैं जो यहाँ पे शिफ्ट कर दिए, काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं। और इनकी कटिंग भी लगा दी हूँ मैं, ताकि जब भी हमारे जो ये प्लांट है, इनकी कटिंग से बहुत ही जल्दी प्लांट ग्रो करता है, तो मैंने बहुत ही जल्दी इन प्लांट को लगा दी हूँ। यहाँ पे भी है हमारे डहलिया के प्लांट, जो देखिए काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, ये भी काफ़ी अच्छे से घने से हो गए हैं। तो जो इनमें कंपोस्टिंग की मात्रा है, उन्हें हमें रेगुलर टाइम पे इनको देते रहना चाहिए। अगर हफ्ते में 1-2 बार, महीने में 1-2 बार भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, पर फिर भी हमें इनको कंपोस्ट देना ही है। और पत्तियों पे जो है ना, वो छिड़काव ज़रूर करें, ताकि इनकी जो पत्तियों पे है ना, वो काफ़ी फंगस लगते रहते हैं। और हिबिस्कस में भी न्यू ग्रोथ आ रही है, देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत मेरी गलती से ही ये सेडी एरिया में रख दी थी मैं इनको, जबकि हिबिस्कस आपके पास है तो उनको फुल सनलाइट में रखिए। मैं जब आजकल इनकी जो अरेंजमेंट कर रही थी तो इनको मैं अलग जगह रख दी थी, तो देखिए अब इनके जो पत्ते हैं वो जो जो खराब से हो रहे थे वो अपने आप ही इस तरह से निकल रहे हैं, और इसमें हेल्दी प्लांट पत्ते आ रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छे से इनमें नए नए पत्तियाँ और भी आ रही हैं। और यहाँ पे है हमारा पर्पल हिबिस्कस, जो कि एक ब्लूमिंग भी हुआ था, और इसमें भी एक मैरीगोल्ड है जिसमें कलियाँ भी आई हैं, इसको मैंने पिंचिंग नहीं की हूँ। और ये देखिए, ये तो हमारे जीनिया का बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, और इनके जो कलर हैं ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कलर आ रहे हैं। तो यहाँ पे हैं हमारे मैरीगोल्ड सारे, एक मैरीगोल्ड की यहाँ पे कटिंग भी है जो कि मैंने यहाँ पे लगा दी हूँ। और इसमें भी अगर आप अगर अभी दे भी सकते हैं तो लिक्विड फॉर्म में कोई सा भी फर्टिलाइज़र, जो आप किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र बनाते हैं, आप वही दे दीजिए। अगर उस वो भी नहीं है तो आपके पास फ्रेश चाय पत्ती की जो मात्रा, वो 1 चम्मच पानी में घोल के और ओवरनाइट के लिए सोक करके छोड़ दीजिए, और उसको उस पानी को आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके और इन सबको देंगे तो बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। क्योंकि अगर आप जब किचन वेस्ट कंपोस्ट नहीं बनाते हो तब आप दे सकते हो, हमारे पास अगर जब वो दे रहे हैं तो आप चाय पत्ती वाली
ना दें, क्योंकि उसमें भी उनकी जो मात्रा होती है हमें बहुत ही उनको भी हिसाब से देना पड़ता है, क्योंकि उनमें भी बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होती है जो हमारे पौधे को नुकसान तो नहीं करेंगी, पर यह है कि फ्लावरिंग आने में। ये देखिए यहाँ पे है हमारा जीनिया के वहीं पौध बहुत सारे निकल रहे हैं, इनको भी मैं ट्रांसप्लांट करूँगी मैं किसी से छोटे छोटे से कंटेनर में। ये हमारे जो येलो कलर के सॉरी वाइट कलर के जो लिली के प्लांट हैं, तो इसमें भी देखिए कलियाँ भी आ ही रही हैं। और ये हमारा कोशमोश वगैरह का है, वो भी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहा है, ये भी वाइट कलर का है इस तरह से। यहाँ पे हमने बोगनविलिया को रखी हूँ, फुल सनलाइट में अगर आपने बोगनविलिया लगा रखे हो तो आप उसे फुल सनलाइट में रखा कीजिए, ताकि देखिए यहाँ पे जो मैंने इनकी जो पॉट है वो काफ़ी बिग साइज़ में रखी हूँ, और ये देखिए काफ़ी अच्छे से इसमें ग्रो कर रहा है, और इसमें बहुत सारे सीड्स से ही ग्रो हो रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट। इनको अगर नहीं निकालें तो इनकी न्यूट्रिशन ये लेते रहेंगे। तो अभी जब मैं गार्डन वर्क करूँगी फिर इनमें लगूँगी। ये देखिए कितने अच्छे इसमें फ्लावरिंग आ रही हैं, और ये ऑरेंज कलर के हैं, जैसे जैसे इनके ये बिग साइज़ के होंगे तो ये लाइट से पिंक कलर के हो जाएंगे, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा बंचेस में आते हैं, और देखिए कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। और एक हमारे पास ये है बोगनविलिया का पिंक कलर, ये भी है डार्क रानी कलर्स उसी टाइप के हैं, डार्क पिंक में हैं, और ये है डबल पैटर्न के, जो कि अभी इनके ब्रांचेस पतले हैं छोटे हैं, इसीलिए इनके जो फ्लावर की जो मात्रा है वो बहुत ही छोटी छोटी आती हैं, लेकिन बहुत ही खूबसूरत से लगते हैं, और यहाँ से ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो हमने ये प्लांट यहाँ पर अरेंज कर दी हूँ मैं। इधर हमारे सारे क्रिसेंथिमम को रख दी हूँ, इधर हमारे बटन रोज़ है, और यहाँ देखिए कलियाँ खिलने वाली हैं, ये वाइट कलर के हैं और बहुत ही खूबसूरत से लगने वाले हैं, बस कुछ टाइम में इनमें भी इनकी बडेज़ खुल जाएंगी। और ये देखिए हमारे जो बटन रोज़ हैं ये काफ़ी ब्यूटीफुल से लग रहे हैं, तो ये भी अभी खिल चुके हैं, कुछ तो खिले हैं और इसमें और कलियाँ आ रही हैं। तो इनकी जो इस तरह से टहनियाँ जो सूख से जाती हैं ऊपर से, इनको आप अभी चाहे तो कट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा वही पुराना सा विंका के हैं, ये भी पिंक कलर के हैं, और यहाँ पे है हमारा कलांचो, जो कि देखिए इसमें भी बडिंग स्टार्ट हो गई हैं। आप सब में थोड़ी थोड़ी आना शुरू हो गई हैं, जो इनको मैंने फुल सनलाइट में रख दी थी तो इनके पत्तियाँ थोड़ी पीली पड़ गई थी, तो इसलिए मैंने इनको थोड़ी सी अब शेडी एरिया में रख दी हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है ये प्लांट, और ये देखिए कभी कभी हमें प्लांट के बारे में पता भी होता है, फिर हमारी गलतियों की वजह से वो प्लांट धूप में रह जाते हैं और हमारा ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। तो ये देखिए कुछ तो हमारे पीले पड़ गए हैं स्टेप्स के, तो इनको अभी सेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, अब तो इनकी फ्लावरिंग का टाइम हो रहा है। और ये इधर के जितने भी प्लांट हैं वो काफ़ी अच्छे से हो रहे हैं, यहाँ पे भी हमारे जो क्लांचो के प्लांट हैं वो भी बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं, ये ऑरेंज कलर के क्लांचो हैं, और इनकी जो कटिंग है आप अभी भी लगा सकते हैं, ये तो पूरे साल चलते हैं ये प्लांट, बस हमें इनको बारिश में थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, वैसे ये पूरे साल आपके ये गार्डन में फ्लावरिंग तो नहीं करेंगे, लेकिन प्लांट आपके पूरे साल आपके गार्डन में रहेंगे। फ्लावरिंग का टाइमिंग इनका ये विंटर का टाइम ही है, और ये देखिए कितने अच्छे से इसमें भी बहुत ही कुछ कुछ पत्ते जो हैं वो पीले पड़ गए हैं, वो फुल सनलाइट में रहने की वजह से इनकी जो पत्तियां हैं वो पीले पड़ जाते हैं। तो अगर आप भी क्लांचो के प्लांट्स को अगर फुल सनलाइट में रखे हैं तो वहां से आप हटा दें और ऐसी जगह रखें, और जो भी पत्ते ख़राब हो रहे हैं तो उनको धीरे धीरे रिमूव करते रहें, नहीं तो वो फंगस ऐसे बनने लगते हैं देखिए, और उनको प्लांट्स को भी ख़राब कर देंगे, तो इसलिए मैंने इनको हटा दी हूँ। और यहाँ पे हमारे सारे सीडलिंग वाले
अप टू डेट है जो चल रहे हैं। ये सारे मेरे जो मैंने बल्ब लगाई हूँ वही हैं अभी। और यहाँ पे हैं हमारे छोटे छोटे से सीडलिंग। यहाँ पे मैंने कुछ मैरीगोल्ड्स की कटिंग इसी में लगा दी थी, देखते हैं अभी। और यहाँ पे हैं हमारे स्ट्रॉबेरी। यहाँ पे ये हमारे हैं नेस्ट्रेसियम, देखिए कितने सारे निकल आए हैं, ये खुद ही इसमें निकल आए हैं। इसमें मैंने कोई इनको पौध को लगाई नहीं हूँ, क्योंकि एक बार इनकी सीड्स लगा ले आने की ज़रूरत है, उसके बाद हमें इनको लगाने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप हमारे गार्डन में होती हैं। पर इसको मैं एक ऐसे जगह लगाऊंगी जहाँ पे मुझे इनको बास्केट में, ताकि ये हैंग करे तो बहुत ही ब्यूटीफुल से लगे। यहाँ पे है हमारे स्ट्रॉबेरी, और इसमें देखिए एक अपराजिता के प्लांट भी निकला है, और ये अपराजिता के प्लांट बहुत ही ब्यूटीफुल से है। कुछ यहाँ पे है हमारे स्ट्रॉबेरी, तो इनको भी अभी सैडी एरिया में रखिए। जब इनमें अच्छी ग्रोथ हो जाए और थोड़ी सी और ठंडी पड़ने लगे, फिर हम इसको फुल सनलाइट में रख। तो कुछ इस टाइप के व्यू लग रहे हैं यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत सा लग रहा है। तो थोड़ी कोशिश की हूँ इनको विंटर का सीज़न का लुक क्रिएट करने की, और जितना हो आपके पास उतने ही मैं अपने गार्डन को खूबसूरत बनाने की कोशिश किया करो। और जितने हमारे पास अभी प्लांट हैं उन्हीं की कटिंग लगा के मैं इतने सारे प्लांट बढ़ाई हूँ। अभी देखती हूँ और विंटर्स में कौन से प्लांट लेकर आती हूँ अभी। तो थैंक यू फ्रेंड, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा प्लीज़ फ्रेंड। ओके फ्रेंड, बाय। फिर मिलूंगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।